नमस्कार दोस्तों, हम एक टॉपिक पे चर्चा करेंगे जो डेयरी कारोबारियों से संबंधित है और इसमें पशु विज्ञानी जो हैं वेणु गोपाल, उन्होंने अभी जो कुछ प्रकरण हुए थे उसको लेकर सीबीआई जांच की मांग की है और उपभोक्ताओं की अनदेखी और कॉरपोरेट हित की पैरवी करने का आरोप लगाया है। तो ये पूरा मुद्दा क्या है इसको हम देखेंगे और साथ ही हम समझेंगे कि A1 और A2 जो दूध और दही से संबंधित चीज़ें हैं ये क्या हैं। तो हम देखते हैं पूरा ही टॉपिक को हम चर्चा करने का प्रयास करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ हेडलाइन में A1 A2 के नाम से बिकता रहेगा दूध, ये कल का न्यूज़ था और इसमें फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने 5 दिन में वापस लिया निर्देश, ऐसा कुछ लिखा हुआ। तो हम ये पूरे मामले को हम समझने का प्रयास करेंगे। देखते हैं डेयरी कंपनियाँ A1 और A2 के नाम से दूध, घी और मक्खन की बिक्री जारी रख सकेगी। ऐसा कहा जा रहा है कि डेयरी कंपनियां जो हैं A1 और A2 के नाम से दूध, घी और मक्खन की बिक्री जारी रख सकेगी। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI ने 5 दिन के भीतर ही A1 और A2 संबंधी दावों को हटाने संबंधी अपने निर्देश को वापस ले लिया है। हालांकि इसके पीछे कोई कारण नहीं बताया गया है। FSSAI ने 3 लाइन के पत्र में सिर्फ इतना कहा है कि यह निर्णय डेयरी कारोबारियों से परामर्श के बाद लिया जा रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की गवर्निंग बॉडी के सदस्य वेणु गोपाल बड़ादरा के कड़े प्रतिरोध के बाद FSSAI ने निर्णय वापस लिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर देसी नस्ल के मवेशियों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। देखिए जो FSSAI जो है इसने A1 A2 दोनों तरह के दूध जो है उस दूध, घी और मक्खन इसके बिक्री को ऑथराइज कर दिया था, लेकिन ICAR के गवर्निंग बॉडी के सदस्य वेणुगोपाल बड़ादरा इन्होंने इसका प्रतिरोध किया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने पत्र लिखा कि देसी नस्लों के मवेशियों की रक्षा किया जाए। FSSAI ने गत गुरुवार को ही नियमों का हवाला देते हुए डेयरी उत्पादों के पैकेट से A1 और A2 वाला दावा हटाने का निर्देश दिया था। यह निर्देश खास तौर पर घी और मक्खन के लिए था। FSSAI का कहना था कि गुणवत्ता के आधार पर A1 और A2 दूध में कोई फर्क नहीं है। डेयरी कंपनियों के साथ ई कॉमर्स कंपनियों से कहा गया था कि ऐसे दावों को अपनी वेबसाइट से तुरंत हटा लें। साथ ही फूड बिजनेस ऑपरेटरों को हिदायत दी थी कि पहले से प्रिंट पैकेट को 6 महीने में ख़त्म कर लें। प्रतिबंध का पत्र FSSAI के कार्यकारी निदेशक इनोसी शर्मा ने जारी किया था, जबकि वापसी का पत्र डायरेक्टर रेगुलेटरी कंप्लायंस राकेश कुमार ने जारी किया था। देखिए पहले तो ये कहा गया था कि A1 और A2 कंपनी का जो दूध होता है इसमें काफ़ी डिफरेंसेस है और इस हिसाब से इसको पहले जो कार्यकारी निदेशक इनोसी शर्मा थी इन्होंने प्रतिबंध का पत्र जारी किया था, जबकि उस पत्र को जो वापसी का है तो रेगुलेटरी कंप्लायंस राकेश कुमार ने इसको जारी किया है कि आप A1 और A2 का जो दूध उत्पाद है उसको इन्होंने ऑथराइज कर दिया। तो इसी के ऊपर वेणुगोपाल ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा है कि जो देसी नस्ल के जो मवेशी हैं उसकी रक्षा की जाए। अर्थात ये मामला क्या है जिसमें हम समझते हैं कि A1 और A2 क्या है। ये यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से आने वाली विदेशी गायों का दूध A1 होता है। जो विदेशी गायों की दूध होती है यूरोप, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड से आती है वो A1 दूध होता है। A1 बीटा कैसिन में पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड्स में ब्रेक नहीं किया जाता है। A1 जो दूध होता है जो बाहर से मंगाए जाते हैं उसमें बीटा कैसिन में पेप्टाइड्स को अमीनो एसिड्स में ब्रेक नहीं किया जाता है। आप जानते हैं दूध में प्रोटीन भी पाया जाता है और प्रोटीन पेप्टाइड्स के रूप में रहता है जो अमीनो एसिड्स में ब्रेक होता है, लेकिन A1 वाले दूध में एमिनो एसिड्स में ब्रेक नहीं हो पाता है। जबकि वहीं A2 में देखते हैं तो A2 बीटा कैसिन भारत की गायों से मिलने वाला दूध है। A2 जो है बीटा कैसिन भारत की गायों से मिलने वाला दूध है। दरअसल दूध में जो प्रोटीन होता है वह पेप्टाइड्स में तब्दील होता है, बाद में यह अमीनो एसिड्स के रूप में बदल जाता है। इस तरह से दूध पचाने में सहायक होता है। देखिए अमीनो एसिड्स जो दूध होता है जिसे दूध दूध में प्रोटीन रहता है, प्रोटीन पेप्टाइड्स में बदलता है और पेप्टाइड्स ही अमीनो अम्ल में बदलता है और इस तरह से पाचन की क्रिया होती है। A1 जो दूध होता है उसमें वो पेप्टाइड्स के रूप में ही रह जाता है, अमीनो एसिड्स के रूप में कन्वर्ट नहीं हो पाता है, और A2 जो है अमीनो एसिड्स का रूप ले लेता है। इस तरह से दूध के पाचन में आसान होता है। तो A2 दूध जो है ये पाचन में
बहुत इजी होता है इसका पाचन। इस तरह से ये देसी नस्ल की जो गायों से जो दूध निकलता है वो हमारे लिए अच्छा है पाचन के स्वरूप में देखें, लेकिन एवन से जो दूध आता है वो पाच्य नहीं होता है, ये है ठीक है। और ये क्यों ऐसा होता है, अमीनो एसिड्स A2 जो है अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट हो जाता है, A1 अमीनो एसिड्स में कन्वर्ट नहीं हो पाता, इसी कारण ये पाचन योग्य नहीं होता है ठीक है। अब यहाँ पे जो है FSSAI इसने परमिट कर दिया A1 और A2 दोनों को। A1 को भी परमिट कर देने से दूध का डंपिंग हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड यूरोप अमेरिका से, और वो सस्ता भी होगा क्योंकि प्रायोरिटी रूप में है हेल्थ ग्रुप में, तो A2 दूध ज़्यादा अच्छा होगा। अब चूंकि A1 का डंपिंग हो जाएगा तो A2 दूध जो देसी नस्ल के होते हैं उसका, जो देसी नस्ल के गाय हैं या फिर, तो उनका उत्पादन नहीं होने से जो हमारा दूध उत्पादन है स्वदेशी दूध उत्पादन वो कहीं ना कहीं प्रभावित होगा। तो इसको लेकर ICAR के जो वेणुगोपाल हैं गवर्निंग बॉडी के सदस्य हैं, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखा था कि देसी नस्ल के मवेशियों की रक्षा की जाए। दूध पर FSSAI के पुराने प्रमाण पर संदेह है। अब ये कहा जा रहा है कि जो पुराने प्रमाण आए थे FSSAI के उसके ऊपर संदेह व्यक्त किया गया है, और ये सारे मामले को वेणुगोपाल ने CBI से जांच करने की मांग की गई है वेणुगोपाल के द्वारा। अब इसमें देखते हैं कि इस वाले लेख में क्या लिखा हुआ है। फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जिस तरह आनंद फानन में A1 A2 दूध को लेकर प्रमाण जारी किया था वैसे ही उसने इंटर्न लिया। अब तो पुराने फैसले के पीछे अनियमितता के भी संदेह खड़े हो रहे हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की गवर्निंग बॉडी के सदस्य पशु विज्ञानी वेणुगोपाल ने पूरे मामले की जांच CBI से कराने की है। उन्हें शक है कि किसी लॉबी के दबाव में मिल्क प्रोडक्ट के A1 और A2 लेवल पर प्रतिबंध लगाया गया, लेकिन इससे परे FSSAI के उस निर्देश को उपभोक्ता अधिकारों एवं गोपालकों के संदर्भ में उचित नहीं माना जा रहा है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार भारतीय डेयरी प्रोडक्ट अभी भी उपभोक्ताओं को पूरी जानकारी नहीं देता है। इस फैसले से देसी नस्ल के मवेशियों की उपभोक्ता भी कम होने की आशंका है। FSSAI के पुराने प्रमाण को उन देशों की डेयरी कंपनियों के हित से जोड़कर देखा जा रहा है जहाँ A1 दूध का उत्पादन ज़्यादा होता है। बता दें कि यूरोप अमेरिका ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड से आने वाली विदेशी गायों का दूध A1 होता है, A2 भारत की गायों से मिलने वाला दूध होता है। कई मेडिकल शोध में भी A2 को A1 डेयरी प्रोडक्ट से ज़्यादा पौष्टिक माना जा रहा है। बहुत सारे जो मेडिकल शोध है उसमें A2 को ज़्यादा पौष्टिक माना जा रहा है और ये सुपाच्य भी है। ऐसे में उपभोक्ताओं को जानने का अधिकार है कि पैसे के बदले उन्हें क्या दिया जा रहा है, लेकिन FSSAI जिसने परमिट किया A1 और A2 दोनों दूध के को सेलिंग को, तो ये कौन सी लॉबी है जिसने A1 को भी अनुमति दिया, और A1 को ये कौन सी लॉबी है, और क्या ये यहाँ पे फॉरेन फंडिंग भी जुड़ा हुआ है, ये भी एक मामला है। तो इन सभी मामले को CBI से जांच कराने की बात कही गई है। A2 की लेबलिंग पर रोक का फायदा उन डेयरी कंपनियों को मिलता है जो A1 डेयरी प्रोडक्ट का ज़्यादा कारोबार करते हैं, इससे उपभोक्ताओं की पसंद और गोपालकों के साथ डेयरी कारोबारियों का व्यवसाय प्रभावित हो सकता था। यह भी सच है कि पिछले वर्षों में भारतीय डेयरी में भी A1 कैटेगरी दूध वाले मवेशियों का प्रवेश हो रहा है। हाल के वर्षों में गाय के दूध का प्रचलन बढ़ा है, लेकिन उपभोक्ता को इसकी जानकारी नहीं दी जाती कि वह दूध किस श्रेणी की गाय से लिया गया है। यही नहीं, जिस पैकेट पर गाय का दूध नहीं लिखा होता वह गाय भैंस और कुछ अन्य मवेशियों के दूध का मिश्रण हो सकता है। बहुत बड़ी संख्या ऐसे उपभोक्ताओं की है जो भैंस का दूध लेना पसंद करते हैं, लेकिन डेयरी ऐसा उत्पाद नहीं दे रही है। यह भी नहीं बताया जाता है कि पैकेट का दूध पाउडर से बना है या सीधा गोपालकों से लिया गया है। गर्मियों में दूध का उत्पादन कम होने पर ज़्यादातर पाउडर से बने दूध की सप्लाई की जाती है, उपभोक्ताओं को इसकी जानकारी नहीं दी जाती है। वेणुगोपाल ने डेयरी कंपनियों से कहा कि पैकेट में दूध के स्रोत की जानकारी दी जानी चाहिए, उपभोक्ताओं के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित कर स्वदेशी गायों के दूध एवं उसके उत्पाद के अनूठे लाभों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। दूध में मिलावट खूब की शिकायत आती है। पंजाब में दूध उत्पादों के 18% नमूने फेल हो गए। हरियाणा में 28% नमूने खरे नहीं उतरे हैं। दूध में डिटर्जेंट, सोडा, यूरिया, ग्लूकोज एवं फर्मेलिन आदि मिलाकर ठगी की जाती है। दूध की गुणवत्ता में गिरावट के बाद भी FSSAI की नज़र कभी इस तरफ नहीं गई है। ऐसे मिलावट रोकने के लिए जिम्मेदार संस्था पर शक होना लाजमी है। तो देखिए FSSAI के ऊपर शक के बहुत सारे कारण हैं, जिसमें एक था कि किस लॉबी के दबाव में A1 को परमिट किया जा रहा है और निगरानी नहीं की जा रही है, और A1 को परमिट किया जा रहा है तो इसका डायरेक्ट निगेटिव इफेक्ट A2 दूध हर स्वदेशी दूध उत्पादन पर होगा।
उसके अलावा उपभोक्ता संरक्षण की भी बात की गई, उपभोक्ता अधिकार संरक्षण की। उपभोक्ताओं को यह जानकारी नहीं होती है जो हमें दूध का पैकेट मिल रहा है वो किस स्रोत से लिया गया है, एवन दूध एवन गाय मवेशी का है या A2 का है। उसके अलावा हमें यह जानकारी नहीं होती है कि जो दूध का पैकेट हमें मिला है वो पाउडर से बना हुआ है या सीधा गौपालकों से लिया गया है। तो ऐसे बहुत सारे रीज़न हैं इसके अलावा, जिसमें कुछ नमूने फेल हुए हैं, जैसे पंजाब में 18% नमूने फेल हुए हैं, हरियाणा में 28% नमूने फेल हुए हैं। इसके अलावा आप देखते होंगे बहुत सारे ऐसी चीज़ें देखने को मिलती है कि दूध का जो निर्माण किया जा रहा है वो डिटर्जेंट, सोडा, यूरिया, ग्लूकोज आदि से किया जा रहा है, इधर FSSAI की नज़र नहीं है और काफ़ी दिनों से ऐसा कुछ चल रहा है। तो अर्थात क्या ये मामला है कि FSSAI इस तरह की चीज़ों को इग्नोर कर रही है? तो इस हिसाब से संस्था के ऊपर शक होता है और इसी सब को लेकर के वेणुगोपाल ने इसे CBI जांच करने की मांग की है। और उपभोक्ताओं की जो अनदेखी हो रही है, कॉरपोरेट हिट की जो पैरवी हो रही है, इस तरह के आरोप FSSAI के ऊपर लगाए गए हैं। धन्यवाद।